प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग चुकी है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए पोस्ट एचएससी एडमिशंस के लिए, लेकिन अभी भी हमें कुछ छात्रों ने क्वेश्चंस किए हैं यूट्यूब में कमेंट्स के माध्यम से, जिसके जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं, जिसके आंसर हम आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो अरबाज इनामदार हमसे आज पूछ रहे हैं, सर आपको वीडियो के वेबसाइट पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखी, उसके अनुसार SML स्टेट मेरिट लिस्ट मिला, लेकिन उसके नीच का स्टेट कैटेगरी मेरिट नंबर नहीं मिला। दूसरा, सिर्फ डी फार्मेसी का मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें? स्टेट मेरिट लिस्ट का नंबर सिर्फ फार्मेसी का है या HSC डिप्लोमा ऑल कोर्सेस का ही? तो अरबाज इनामदार, सबसे पहले आप एक चीज की तरफ ध्यान रखिए, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है उस समय पर आपने फार्मेसी कोर्सेस के लिए एप्लीकेशन किया है हुआ है, तो आपका जो स्टेट मेरिट लेवल का जो मेरिट नंबर होगा वो फार्मेसी के लिए ही होगा। तो फिर आप ध्यान रखिए, आपको जो मेरिट नंबर मिला है वह फार्मेसी के लिए कंसिडर होगा, ना कि पूरे पोस्ट HSC डिप्लोमा कोर्सेस के लिए। चलिए अब नीचे देखते हैं, जाफरीन खान हमसे पूछ रही है, सर कितने गवर्नमेंट कॉलेज में डीफार्म है और डीफार्म टोटल सीट कितना है? तो जाफरीन खान, सबसे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको जानने हैं तो आप सीधे गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इसके बारे में हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखा है। लेकिन हम आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहेंगे, जब ऑप्शन फॉर्म भरे जाएंगे उस समय आपको यह सभी ऑप्शंस ऑलरेडी वहां पर मेंशन होंगे, आप टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन चुन सकते हैं या फिर टोटल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस जो कि गवर्नमेंट नहीं है नॉन गवर्नमेंट है, उसका भी ऑप्शन आपके लिए वहां पर दिया जाएगा। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही एडमिशन चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को चुनिए, आपको वहां पर ऑप्शन फॉर्म में ऑप्शन चुनने के लिए सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट दिखाई देगी। शाहिदा सैयद पूछ रही है हमसे, सर एप्लीकेशन किट मिलने के बाद क्या करें, रिप्लाई प्लीज। तो शाहिदा सैयद, अभी एप्लीकेशन किट नहीं है, अभी इस साल से एप्लीकेशन किट का प्रोसीजर बदल गया है। एप्लीकेशन किट पहले आपको एप्लीकेशन फीस देने के बाद में बाय हैंड दी जाती थी, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मिल जाता था। लेकिन इस साल से आपको एप्लीकेशन किट, आप उसे भले ही कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी यूजर आईडी पासवर्ड ही दिया जाता है, तो एप्लीकेशन किट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको यूजर आईडी पासवर्ड ऑनलाइन जनरेट करना होता है, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर ही हमारे द्वारा ही पासवर्ड एंटर किया जाता है, जो पासवर्ड हमें पता होता है। रहती है बात एप्लीकेशन आईडी की, तो एप्लीकेशन आईडी हमें हमारे मोबाइल पर OTP के द्वारा वेरिफिकेशन करने के बाद मोबाइल पर प्राप्त हो जाता है। सुरेश नागरे, थैंक्स सर, ओके वेलकम सुरेश नागरे जी। CR7 पूछ रहे हैं, सर अगर ऑप्शन फॉर्म 1 में कॉलेजेस के नेम डालने के बाद अगर कैप राउंड 1 में हमारा नंबर ना लगे तो ऑप्शन 2 में फिर से कॉलेज नेम डालने हैं क्या? तो CR7, अगर ऑप्शन फॉर्म में आपका नंबर नहीं लगता है तो आपको ऑप्शन 2 को वेट करना होगा। जी हाँ, आपको ऑप्शन 2 में बदलाव करने होंगे तो आप ऑप्शन 2 में बदलाव कर सकते हैं, कॉलेजेस को कम ज्यादा नंबरिंग में लाना चाहते हैं तो चेंजेस आप कर सकते हैं। संजना गुप्ता पूछ रही है, सर मेरा नेम आ गया है प्रोविजनल लिस्ट में, अब क्या करना है आगे, प्लीज जल्दी बताएं ना। तो संजना गुप्ता जी, आपने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने FC पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आ गया, वो तो सबका ही नाम आने वाला है। जितने छात्रों ने FC पर वेरिफिकेशन किया है उन सबका नाम यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आने ही वाला है, किसी का नाम अच्छे नंबर से आएगा, किसी का नाम बेहद ही पीछे जाएगा, तो आपका नाम भी आना ही आना था। हाँ, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब हम देते हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद अभी ग्रीवियंस का समय है, अगर आपको उसमें कोई चेंजेस लगते हैं तो आप ग्रीवियंस में एडिट कर सकते हैं, अगर कोई चेंजेस आपको लगते हैं तो आप FC पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, जो गलतियां आपने एप्लीकेशन फॉर्म में की होगी।
तो ये ग्रीवियंस था, ग्रीवियंस का समय अभी 2 दिन का है, आप अभी कर सकते हैं। ग्रीवियंस होने के बाद बारी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में दी जो जानकारी आपको दिख रही है वो सभी सही है, मेरिट लिस्ट का ऑप्शन आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो स्टेट कमिटी द्वारा जो दिया गया है, स्टेट इंटरेंस टेस्ट सेल द्वारा, तो वो वही रहने वाला है। हाँ, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो होगी, जो आप चेंज करना चाहते हैं, उसके अलावा जो भी डिटेल्स होगी वो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें अगर आप चेंजेस नहीं करते वो सब सही है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपको वही जानकारी मिलने वाली है जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको प्रोवाइड की गई है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आप उसकी प्रिंट निकाल लीजिए, अपने पास रखिए, और उसके बाद ऑप्शन फॉर्म का वेट कीजिए। ऑप्शन फॉर्म की समय, जब ऑप्शन फॉर्म का समय आएगा, आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद एफसी सेंटर से जो आपको एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट मिली है वह और एक डॉक्यूमेंट का जेरोक्स सेट और ओरिजिनल सेट अगर साथ में है तो अच्छी बात है, ओरिजिनल सेट भी साथ में रख लीजिए, और ऑप्शन फॉर्म की प्रिंट ईआरसी सेंटर्स पर जाकर आपको कंफर्मेशन करना है। तो संजना गुप्ता, आपको समझ में आ गया होगा अब आगे क्या करना है। सोमन मंडल हमसे पूछ रहे हैं, सर आई एम स्टूडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड इट हाउ टू नो माय मेरिट ऑफ WB बोर्ड, प्लीज जल्दी बताएं। मेरा नंबर है सोमन मंडल जी, आपको मोबाइल नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, आपका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, आप सीधे इस लिंक पर जाकर अपना मेरिट नंबर चेक कर सकते हैं। सोमन मंडल जी, प्लीज चेक योर मेरिट नंबर हियर। शाहिदा सैयद पूछ रही है हमसे, सर मेरिट लिस्ट का नंबर आ गया अब क्या करना है। तो हमने जो यहाँ पर बताया है, संजना गुप्ता जी ने जो हमसे पूछा है, वही यहाँ पर भी ऑप्शन होगा, सर मेरिट लिस्ट का नंबर आ गया आगे क्या करना है, वही आपको करना है। फाइनल मेरिट लिस्ट को भी देखना है, फाइनल मेरिट लिस्ट वही होने वाली है जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, अगर आप ग्रीवियंस के समय में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब जब भी ऑप्शन फॉर्म का समय आएगा, आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, ऑप्शन फॉर्म की प्रिंट निकालनी है, और जो एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट एफसी से मिली है वह और डॉक्यूमेंट सेट की एक एक जेरोक्स लेकर ईआरसी सेंटर्स पर जाकर कंफर्मेशन करना है। नम्रा शेख हमसे पूछ रहे हैं, सर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का प्रिंट आउट एफसी सेंटर पर सबमिट करना है क्या? जी नहीं नम्रा शेख, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको कहीं पर भी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपको मेरिट नंबर दिया गया है, आपको कंफर्मेशन के लिए यह अपने पास ही रखना है, आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडियन क्राइशर हमसे पूछ रहे हैं, सर मेरा ऑनलाइन एडमिशन हो जाएगा ना, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरिट स्कोर 54.67%, स्टेट जनरल मेरिट नंबर 35,837 है। तो इंडियन क्लैशर भाई, यह आपका नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा यह तो समय पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरिट स्कोर के अनुसार थोड़ा फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म में नंबर लगना थोड़ा कठिन है, हो सकता है सेकंड या फिर थर्ड ऑप्शन में आपका नंबर आ जाए, लेकिन उसमें भी नहीं आता है तो आपको आगे एडिशनल राउंड के लिए भी अप्लाई कर लेना है। बेस्ट वीडियोज, एफसी सेंटर्स तो नहीं जाना है भाई, एफसी सेंटर्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एफसी सेंटर्स पर जाने की अब आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद ही जाना होगा। पठान हुजेर पूछते हैं, सर प्रोविजनल लिस्ट के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, एफसी सेंटर जाना पड़ेगा फिर से मेरिट लिस्ट की प्रिंट लेके? पठान हुजेर, वही वो सभी का सवाल यही है ज्यादातर, इसके लिए हमने इस वीडियो को बनाना बेहद ही अच्छा समझा, क्योंकि सभी का जवाब अगर स्पेशली वीडियो के माध्यम से दिया जाए तो अच्छा है, इसी के लिए हम फिर से आपको बता देते हैं, प्रोविजनल लिस्ट आपको कहीं भी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रोविजनल लिस्ट सिर्फ आपके जानकारी के लिए दिया गया है, यह आपको मेरिट नंबर दिखाने के लिए दिया गया है,
आपको डायरेक्टली अभी ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट भरने के बाद ही यह आरसी सेंटर्स पर जाना है, अभी एफसी सेंटर्स पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाउ टू चेक कट ऑफ कॉलेज फॉर मेरिट नंबर टू चेक एंड फिल ऑप्शन फॉर्म, सर प्लीज टेल मेक वीडियो एज ए पॉसिबल। जी अमोल दराडे जी, जी जरूर जरूर, हम जरूर आपको कट ऑफ लिस्ट के बारे में बताएंगे और ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरा वीडियो डेमो अपलोड करने वाले हैं। प्लीज सब्सक्राइब हिंदी एजु सपोर्ट, जिससे आपको यह अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों यह थे आज के सभी हमसे पूछे गए सवाल जो छात्रों को परेशान कर रहे थे। हमें लगता है जितने भी सवाल आपके यहाँ पर दिए गए हमने उनका सवाल आपको दे दिया है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के बेहतर अपडेट्स के लिए हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की ज्यादा जानकारी चाहिए और वह वीडियो के माध्यम से आप चाहते हैं तो वह आप हमसे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।